5 दिन की दिवाली के त्योहार का आज आखिरी दिन है। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह को दर्शाता है। इस दिन बहन अपने भाइयों का टीका करती हैं और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। ये त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं भाई दूज की कथा के बारे में। पौराणिक कथानुसार भगवान सूर्यदेव की पत्नी छाया थी। उनकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब छाया सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाने की वजह से उत्तरी ध्रुव में रहने लगी। छाया के साथ यमराज और यमुना भी रहने लगे। एक समय के बाद यमराज ने अपनी यमपुरी नगरी को बसा लिया और यमुना गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन दोनों में स्नेह सदैव बना रहा। यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर इष्ट मित्रों सहित हमेशा भोजन के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज उन्हें टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन आया और यमुना ने फिर यमराज को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दिया और इस बार अपने भाई से वचन ले लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, भला मुझे कोई अपने घर क्यों बुलाना चाहेगा। यदि बहन ने इतने प्यार से बुलाया है तो मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वहीं यमराज ने बहन के घर जाते वक्त नरक के सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर देखकर यमुना खुशी से झूम उठी। उसने अपने भाई का स्वागत किया और उसके समक्ष अनेक व्यंजन परोसे। यमुना के इस आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन से वरदान मांगने के लिए कहा। यमुना ने यमराज से कहा कि वो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में आप मेरे घर आया करें। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनकी तरह कोई भी बहन इस दिन यदि अपने भाई का विधि पूर्वक तिलक करे तो उसे यमराज यानी मृत्यु का भय ना हो। यमराज ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और यमुना को वरदान देकर यमलोक लौट आए। तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म में भाई दूज की परंपरा चली आ रही है। भाई दूज की पूजा विधि। भाई दूज एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज के मौके पर बहनें श्रद्धा भाव के साथ अपने भाई का तिलक करके उनकी समृद्धि और सुख की कामना करती हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री विष्णु भगवान और गणपति की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद भाई का तिलक करने के लिए आरती का थाल सजाएं। थाल में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल फूल, सुपारी आदि रखने के बाद अपने भाई को चौकी पर बैठाकर शुभ मुहूर्त में उसका तिलक करें। तिलक के बाद पान, सुपारी, बताशे, गोला, वस्त्र और काले चने आदि भाई को देने चाहिए और इसके बाद भाई की आरती करें। ये कहानी है सुंदरपुर की। सुंदरपुर गांव में एक बहुत ही गरीब लड़की जिसका नाम चंपा था अपने छोटे भाई सुंदर के साथ रहती थी। उनके माता पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी। माता पिता की मौत के बाद चंपा ने ही सुंदर को पाला था, माँ की तरह ही उसका ध्यान रखा था। बस 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 दीदी, अब नहीं खाना। कितना खिलाओगी? ज्यादा खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। 4 कौर में तेरा पेट भर गया, चल पूरा खत्म कर, नहीं तो तेरी दीदी गुस्सा हो जाएगी। तुम ना दीदी, हमेशा मुझे ये धमकी देती रहती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर तुम गुस्सा हो जाओगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तो चल आकर आ। चंपा खुद तो दूसरों के खेत में काम करती, लेकिन सुंदर को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती। खुद के कपड़े भले ही फटे हों, लेकिन सुंदर के लिए एक नई कमीज साल भर में एक बार तो आती ही थी। एक दिन चंपा के फूफा जी उसके लिए शादी का रिश्ता लेकर आए, लेकिन चंपा मना करने लगी। तो बात क्यों नहीं समझती? अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है, सामने से चलकर रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, कोई दहेज की मांग भी नहीं है, खाते पीते लोग हैं वे, और तू कह रही है कि अभी शादी नहीं करनी। फूफा जी, अगर मैं शादी करके ससुराल चली गई तो सुंदर का क्या होगा? वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, उसका ध्यान कौन रखेगा? मैं उसे छोड़कर शादी नहीं कर सकती। चंपा के फूफा जी जिस लड़के का रिश्ता लेकर आए थे उन्होंने ये बात उन्हें कही। वो चंपा की बात मान गए और चंपा की शादी नागेश से हो गई। चंपा के ससुराल में नागेश के अलावा उसकी माँ सविता देवी और उसकी बहन कामिनी भी थी।
दो चार दिन तक तो चंपा को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिला, लेकिन चौथे दिन से ही उसके सामने ससुराल वालों का असली चेहरा आने लगा। बहू बहू, अरे कहां मर गई तुम? चंपा भागती हुई आई। क्या क्या हुआ माँ जी? इतनी देर से हम लोग यहाँ खाने की टेबल पर बैठे हैं, तू कर क्या रही है? बस माँ जी, हो ही गया है, मैं लेकर आती हूँ। कब लेकर आएगी? रात को। भैया और मुझे अभी तुरंत निकलना है। चल अब यहाँ मुँह मत ताक और नाश्ता लेकर आ। चंपा नाश्ता लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसकी सास और ननद ने पहला निवाला डाला, उन्होंने तुरंत उगल दिया। अरे ये क्या बनाया है, न तेल है न मिर्च। अरे तू गरीब घर से आई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी भिखारियों वाला खाना खिलाए। एक तो इतनी देर में नाश्ता बनाया, वो भी इतना बेकार। तभी वहाँ पर चंपा का भाई सुंदर आया और पेट पर हाथ रखते हुए बोला, दीदी मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से मेरा भी नाश्ता लगा देना। ये कहकर वो उन्हीं लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ये देखकर कामिनी और नागेश का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अरे तू तू यहाँ कैसे बैठ गया? चल उठ उठ यहाँ से। देख रहे हो भैया, अब नौकर भी हमारी बराबरी में बैठकर खाएंगे। तूने सुना नहीं क्या? सुंदर उठो उठो यहाँ से, हम नौकरों के साथ नहीं खाते। ये कहकर नागेश ने उसे कुर्सी से धक्का दे दिया, वो बेचारा दूर जा गया। चंपा ने ये देखा तो अपने भाई को उठाया और नागेश से कहा, देखिए आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ये नौकर नहीं है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कामिनी ने हंसते हुए उससे पूछा, अच्छा ये नौकर नहीं तेरा भाई है, और तू क्या है? जी मैं बहू हूँ इस घर की। गलतफहमी मत पाल, तू भी यहाँ की नौकर ही है। कभी देखिए अपनी हैसियत, हम कहा और तुम कहा, बड़ी आई घर की बहू। चंपा को अपने ससुराल वालों की एक एक बात किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कुछ दिनों के बाद चंपा को अपने पति नागेश के बारे में एक और बात पता चली। सुंदर ने ये बात उस समय सुनी थी जब कामिनी अपनी माँ से बातें कर रही थी। हाँ दीदी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है, नागेश जीजा जी की ये तीसरी शादी है। पहली पत्नी मर गई, दूसरी अचानक से कहीं गायब हो गई। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरना क्यों, मैं हूँ ना। तभी कामिनी और सविता वहाँ गए, उन्होंने उन दोनों भाई बहनों को बातें करते देखा तो, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठ के, कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो ये दोनों भाई बहन आपस में क्या पकाते रहते हैं। चंपा ने कुछ नहीं कहा। उसी रात की बात है, चंपा ने अपने पति से सुंदर की पढ़ाई के लिए स्कूल जाने की बात पूछी तो वो चिढ़ गया। स्कूल क्या करेगा तेरा भाई स्कूल जाकर, कलेक्टर बनेगा क्या हैं? जी वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, और हाँ इस तरह अपने भाई की पैरवी लेकर फिर आई तो मार मार के मुंह तोड़ दूंगा। बेचारी चंपा उस घर में घुट रही थी और उसके साथ उसका भाई भी। लोगों ने चंपा को बेवजह मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। एक दिन तो हद हो गई, गर्म पानी लाने में चंपा को जरा सी देर क्या हुई, उसके पति नागेश ने गर्म पानी उसके बदन पर डाल दिया। अपनी बहन की चीख की आवाज सुनकर सुंदर भागता हुआ बाहर आया। बाहर उसने अपनी बहन को तड़पते देखा तो उसे सहारा देकर उठाने लगा। दीदी क्या हुआ दीदी, किसने आपकी ये हालत की? चंपा खामोश रही, तभी नागेश ने कहा, ए किसने बोला तुझे आने के लिए है? चल भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। जीजा जी मेरी दीदी जल गई है, दर्द से वो तड़प रही है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सुंदर अपनी बहन के उठने में मदद करने लगा। ये देखकर नागेश खिलखिला उठा। इन दोनों भाई बहनों ने नाक में दम कर दिया है, रुको इसे बताता हूँ। नागेश कमरे से अपनी बेल्ट ले आया और सुंदर को मारने लगा, और उसने उसे तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। सुंदर और चंपा ससुराल वालों के हाथ से हर दिन मार खाते। चंपा ने तो अब अपनी फूटी किस्मत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सुंदर के लिए वो हमेशा परेशान रहती। वो बेचारा उसके साथ उसी तरह पिस्ता जैसे गेहूं के साथ घुन। मुझे सुंदर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, वो बेचारा कब तक मेरे हिस्से की मार भी खाएगा, उसकी क्या गलती है, मैं ही तो उसे यहाँ लेकर आई थी। एक दिन जब नागेश चंपा को मार रहा था और सुंदर बीच बचाव करने के लिए आया तो, तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला, ये मेरे पति हैं,
ये जैसे मुझे रखेंगे मुझे रहना पड़ेगा, ये चाहे मुझे मारे या घर से निकाल दें। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? जो तू सुन रहा है बिना मतलब मेरे और मेरे पति के बीच में ना। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। कौन भाई अपनी बहन के ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ता है? मुफ्त खोर कहेगा, जा भाग जा यहाँ से। उस दिन सुंदर बहुत रोया, लेकिन सुंदर से ज्यादा चंपा रोई। उसी रात सुंदर घर से भाग गया। चंपा दुखी तो बहुत थी कि पता नहीं उसका भाई कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा और क्या पिएगा, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि वो इस नरक से निकल गया। सुंदर वहां से भाग तो गया, लेकिन उसे अपनी बहन की हर दिन बहुत याद आती। लेकिन उसे अपनी बहन का वो व्यवहार भी याद आता जो उसने उसके साथ किया था। मैं कभी लौट कर नहीं जाऊंगा अपनी बहन के पास, कभी नहीं। सुंदर ने जूते पॉलिश का काम शुरू कर दिया। वो दिन भर जूते पॉलिश करता और रात को पढ़ाई करता। समय धीरे धीरे बीतने लगा। काम के साथ सुंदर पढ़ाई भी करता रहा और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो पुलिस में DSP बन गया। भाई दूज के समय की बात है। वो अपने पुलिस स्टेशन में बैठा था, तभी एक औरत जिसका नाम विद्या था भागी भागी वहाँ पर आई। साहब साहब मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे ससुराल वाले बहुत बदमाश है। वो दहेज के लिए मेरी पिटाई तो करते ही है, मेरे छोटे भाई को भी जानवरों की तरह मारते हैं। वो बहुत छोटा है साहब, साहब मैंने उसे बचाने के लिए कई बार उस पर झूठा गुस्सा किया, उसे घर से जाने को भी कहा, उसे मुफ्त खोर तक कह दिया, लेकिन वो मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। आप उसे बचा लीजिए साहब, वो उसे बहुत मार रहे हैं। बहुत मुश्किल से मैं उनकी नजर बचा कर आई हूँ। विद्या की बात सुनकर सुंदर की आंखों के आगे उसके पुराने दिन आ गए। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि उसकी बहन चंपा ने उस दिन उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया था। पहले तो उसने विद्या के भाई की मदद की, फिर अपनी बहन के ससुराल की ओर पुलिस की जीप से चल पड़ा। हे भगवान, इतने साल मैं अपनी दीदी को गलत समझता रहा और उसे उन राक्षसों के पास छोड़कर चला आया। मेरी बहन को अगर कुछ हो गया होगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुंदर अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों की मारपीट का असर चंपा के चेहरे पर साफ साफ दिखता था। सुंदर को तो वो पुलिस की ड्रेस में पहचान भी नहीं पाई। उसने जब उसके पैर छुए तो वो उसे गौर से देखने लगी। आप कौन है सर? दीदी आप अपने छोटे भाई को भूल गई, सुंदर को भूल गई। सुंदर तुम कितना बड़ा हो गया रे, तू ठीक है ना रे? हाँ मैं ठीक हूँ दीदी, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं। बहुत सताया है इन लोगों ने आपको, और मैंने भी तो आपको इन जालिमों के पास अकेला छोड़ दिया था, बिना ये समझे कि मुझ पर जान देने वाली दीदी एकाएक मुझ पर उस दिन गुस्सा क्यों हो गई थी। लेकिन दीदी अब नहीं, अब मैं इन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी उसका पति नागेश, उसकी बहन और उसकी माँ वहाँ गए। इस तरह से अपने घर में पुलिस को देखकर वे डर गए। सर आप यहाँ, आपको किसी ने बुलाया है क्या? यहाँ तो सब ठीक है सर। ठीक रहता तो पुलिस यहाँ आती नहीं। आप लोगों ने मेरी बहन पर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत ही ज्यादा। अब आपको उनका हिसाब देना होगा। बहन, आप कौन है? मैं हूँ एक अभागा भाई जिसने आप जैसे राक्षसों के पास अपनी बहन को छोड़ दिया था, लेकिन अब सजा के लिए तैयार रहिए। अरे सुंदर, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से रखा है ना? वो दिख रहा है मुझे। ये कहकर सुंदर ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अरे चंपा समझाओ अपने भाई को, भला कोई अपने जीजा को गिरफ्तार करता है क्या? जीजा? वो कैसे, मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की, आप लोगों ने तो कहा था ना। फिर कौन जीजा कौन साला? उन तीनों पर दो हत्या और चंपा पर अत्याचार का मुकदमा चला, उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। इस बार का भैया दूज उन दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया था। सुंदर की आंखों से गलतफहमी की दीवार हट गई थी और चंपा के पैरों से गुलामी की जंजीर। इस बार जब उसने अपने भाई को भैया दूज का टीका लगाया तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे।